नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की चटपटी खबरों के बारे में। पहली खबर है अक्षरा सिंह का भोजपुरी सॉन्ग फलनमा के बेटा सपनवा में आता है टू यूट्यूब पर कर रहा है ट्रेंड। जी हां, अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की बहुत ही सुपरस्टार और एक्सप्रेशन क्वीन कही जाती हैं। उनका नया भोजपुरी गाना जो है फलनमा के बेटा सपनवा में आता है टू आज YouTube पर ट्रेंडिंग में पांचवें नंबर पर धमाल मचा रहा है। फलनमा के बेटा सपनवा में आता है टू गाने को 4 दिन में 3 मिलियन व्यूज भी मिले हैं। भोजपुरी गाने फलनमा के बेटा सपनवा में आता है की लोकप्रियता को देखते हुए अक्षरा सिंह ने इसका पार्ट टू भी रिलीज किया है। उन्होंने इस गाने को भी अपने YouTube पर रिलीज किया है। अभी अभी ये इंडिया ट्रेंडिंग में नंबर 5 पर ट्रेंड कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पवन सिंह के भोजपुरी सॉन्ग पुदीना ए हसीना पर भाभी जी ने घूंघट में किया बवाल डांस। जी हाँ, भोजपुरी के जो सुपरस्टार है पवन सिंह के जो गाने हैं पुदीना ए हसीना पर एक भाभी जी ने कमर तोड़ डांस किया। इस वीडियो में महिला का चेहरा घूंघट के कारण ढका हुआ है, लेकिन उनका डांस लोगों को काफी पसंद आ रहा है। रंजना सिंह चौहान नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने बीते 24 जून को एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें वो पवन सिंह के पुदीना सॉन्ग पर गजब का डांस कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेसारी लाल यादव के भोजपुरी सॉन्ग लागेलू जहर ने ला दिया कहर। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का भोजपुरी गाना लागेलू जहर रिलीज हो चुका है, जिसे कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं। इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ श्वेता महारा नजर आ रही है। ये गाना आज यानी 11 जुलाई को बालाजी रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव का नया भोजपुरी गाना लागेलू जहर रिलीज हो चुका है। खेसारी लाल यादव की ऐसी दीवानगी है कि 1 घंटे में ही इस गाने को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर। प्रमोद प्रेमी यादव और कमल यादव की फिल्म अजय आजाद का ट्रेलर रिलीज। सस्पेंस और एक्शन का दिखा तालमेल। जी हाँ, यूथ स्टार प्रमोद प्रेमी यादव और नए कलाकार कमल यादव की भोजपुरी फिल्म अजय आजाद का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में है। ट्रेलर देखकर कहा जा रहा है कि ये एक धमाकेदार एक्शन फिल्म है। बताया जा रहा है कि मूवी जो है एक सत्य घटना पर आधारित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोक गायक देवानंद देव और रोपनी गीत करब रोपनिया रिलीज के साथ ही दर्शकों के मन में बस गया है। जी हाँ, भोजपुरी के लोक गीतों में रोपनी गीत की काफी महत्ता रही है। भोजपुरी संगीत प्रेमी इसे सुनना काफी पसंद करते हैं। इसी तरह का एक और गीत आया है। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लोक गायक देवानंद देव का एक रोपनी गीत करब रोपनिया रिलीज किया गया है, जिसे कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज मिल गए हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही इसका टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जिसके बाद से ही फैंस इस गाने का इंतजार कर रहे थे और अब गाना आते ही दर्शक इसे खूब प्यार दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस गाने का ऑडियो पहले ही रिलीज कर दिया गया था, जो कि बड़ा हिट साबित हुआ। अब इसके वीडियोज को भी काफी पसंद मिल रहा है, दर्शक जो है काफी प्यार दे रहे हैं और उनको काफी वायरल भी कर रहे हैं उनके इस वीडियो। तो भोजपुरी तड़का में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें।